राम राम जी। सबने और सब ठीक हो? भगवान से ये उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो। और आप सबका वेलकम है आपके दबंग कुंभा ब्लॉक में। आज दशहरा है, बड़ी धूमधाम मचा रहे हैं बच्चे भी। और मैं दशहरे के सारी, आप देखा होगा एक व्लॉग डाला है मैंने, सब दिखाया मैंने दशहरा कैसे बनाया। छोटे छोटे बच्चों ने इतना प्यार से, इतना अच्छे से सेलिब्रेट कराया दशहरा को, बहुत बढ़िया तरिया बिल्कुल ऐसे साबित कर दिया। मतलब के बच्चा में जिज्ञासा है अभी भी, इनके मन में तमन्ना है हर चीज़ की। हाँ भाई, हमें हमारा पहले वाला कल्चर जिंदा है, और हम रामलीला देख कर आते हैं और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। और देखो बहुत बढ़िया होता, वहाँ पे भी देखने योग्य होता सब नज़ारा। पर बच्चे एक आध ऐसे भी घर हैं जिसको हम ले जा नहीं पाते, हम जा नहीं पाते खुद भी। इसीलिए देखो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बढ़िया दशहरा बनाया। और बुराई पर अच्छाई की जीत, कैसे विजय हुई देखो सब ने, देखो कितने अच्छे से बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया। और सबका दशहरा बहुत बढ़िया मनाया होगा, सबका भगवान से ये उम्मीद करती हूँ। सब कुशल मंगल, स्वस्थ अपने घर में मस्त रहें, और यूं ही अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते रहें। छोटी छोटी खुशियों से ही बड़ी खुशियाँ बनती हैं, ये नहीं कि कोई बड़ी खुशी ऐसे ही पहाड़ से ऐसे आती, नहीं जी। छोटी छोटी खुशियों की बड़ी खुशियाँ मनाई जाती, हम वो हमारे हाथ में हैं। हम या छोटी बनाया बड़ी बनावा, वो हमारे हाथ में है। छोटी सी खुशी की हम बड़ी कर सकते हैं। और देखो अब मैं इसके साथ दशहरे के साथ साथ एक और भी, पहले कई दिन पहले जो मैंने अमावस्या को डाली थी, अमावस्या से ये आसपास में हमने हवन करवाया था, उसके आसपास में मैंने एक क्लिप डाली थी सांझी की। तो आज मैं उस सांझी के बारे में आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी क्लिप दिखा रही हूँ। जितना मुझसे सूट हो सका मैं उतना आपको दिखाऊंगी, जितनी मैं शूटिंग कर सकी वीडियो की, भाई बना सकी। देखो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सांझी भी एक हमारे जीवन में अहम महत्व है, इसका भी ये नहीं कि भाई नहीं है, हाँ इसका भी एक अहम महत्व है। ये भी एक त्यौहार के रूप में संजोई गई है, एक त्यौहार के रूप में जागरूक है, इसको भी हम मनाते हैं। और बहुत सारे गांव में भी मनाते हैं, और हम भी एक आधे ऐसे मना रहे हैं। बताई थी किसी ने, बना ली। और देखो हम सांझी ने कैसे हर रोज़ खाना खिलाना होता है सांझी को, जिस दिन बनाई जाती है अमावस्या से, अमावस्या के दिन बनाई जाती है, और उसकी पूजा की जाती है उस समय, और खाना खिलाया जाता है हर टाइम। दोनों टाइम उनकी पूजा करके उसको खाना भी खिलाया जाता है हर टाइम। जब तक दशहरा नहीं आता, बीच के अमावस्या और दशहरे के बीच में जो दिन होते हैं, सांझी की पूजा की जाती है, सांझी को जिमाया जाता है उसका बहुत अच्छे से। उसको बार बार एहसास दिलाना होता कि हाँ खाना खिला दिया, नु ये कर दिया, पानी पिला दिया, ये सब थोड़ा थोड़ा नुस्खा होता है, ज़रूर करते हैं, ज़रूर मनाते भी हैं। और जो सांझी डालता है उनसे पूछो, वे ज़रूर मनाते हैं और ज़रूर ऐसा करते हैं हर गिज, और करना पड़ता है ये। अगर हमने सांझी डाल दी तो ये हमारा जिमाना वगैरह खाना खिलाना ये हमारा करते हैं। और आज मैं दिखाऊंगी, देखो सांझी को हमने उतार के कैसे किया है, कैसे मतलब के आगे दिखाऊंगी छोटी छोटी क्लिप में। देखना सांझी को हम उतार के वहाँ पानी में छोड़कर मटकी में डालकर, मटकी में डाल देते हैं, और कैसे पानी में कैसे पूजा करके उसकी हम आरती उतार के जोड़ में दिया जला के, देखो कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे पहले। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। और सब देखो आप सब मनाया करो अपने घर में, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्या पता क्या कुछ कर दे हुए हैं। इतना बढ़िया हो जाता है कि हमने पता भी नहीं चलता हमने इतना अच्छा काम कर दिया। देखो और यही बात है, बच्चों के मन में ये जिज्ञासा होती है। मैं बोली बच्चों चलो बेटा ये करते हैं, हाँ मम्मी करते हैं, चलो दशहरा मनाते, इतने कपड़े ढूंढ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और सांझी बना दी, इतना कुछ कर दिया, ये बना दियो, ये खिला दो, ये पिला दो। ये बच्चों के मन में, हम अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें सिखाएंगे तो
अगर बच्चे भी सीखेंगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, बिल्कुल हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। हम बता सकते हैं बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और आगे जाके ये भी अपने बच्चे ने बताओगे और हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। इसी कारण हम देखो छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है और इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे कर देखो। अरे इसमें नू बताओ मैंने किस किस ने सांझी बनाई, किस सब किस किस के घर सांझी बनी है और कब बनी है, किस कितने दिन तक रखी, खाना खिलाया नहीं खिलाया, सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर से भी ज़रूर बताना। और देखो हमने भी सांझी बताया। इनका वो मतलब नहीं होता कि भाई नहीं ये कुछ नहीं मना, ये सब ढूंढ रहे, नहीं जी, अपनी संस्कार अपनी रीति रिवाज सब कायम रखने के लिए थोड़ा थोड़ा हम आज भी अपनी संस्कृति को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और आज हमने बच्चों से देखो बहुत सारा काम करवाया, देखो रावण बनवाने में सहायता कर दी, बच्चे खुश हो गए, कपड़े दे दिए, ये पटाखे जला दिए, पैसे ले लिए, बहुत खुश हो गए। और सांझी के बारे में मैंने बच्चों को बताया ये चीज़ ऐसे होती है बेटा, ये चीज़ ऐसे होती है, सांझी ऐसे डलती है, ऐसे करेंगे, हाँ मम्मी ऐसे करोगे, हाँ बेटा ऐसे करेंगे, कल नहीं इनके ये भी बड्डे हो जाएं, इनके बच्चे हो जाएं, तो ये भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे ये, हाँ ज़रूर बताएंगे, देखो बेटा हम ऐसे करते थे, हमारी मम्मी ऐसे बनाती थी, हमारी दादी ऐसे बनाती थी, वह क्या है हमारे नाम से भी प्रसिद्ध होंगे ये चीज़ें, हाँ भाई हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी मम्मी ऐसे करती थी। आप भी सब अपने घर में छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियां मनाओ, देखो हर त्यौहार को तहे दिल से मनाओ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बच्चों में बच्चे बनकर देखो कितना आनंद आ जाए बच्चों के साथ खेलते हुए सेलिब्रेट करते हो जी। ये हम चले सांझी बनाने के लिए, सांझी को हमने उतार पूजा करके खाना खिला के पूजा करके उतार के मटकी में रख लिया। और देखो ये मटकी में ऐसे रखते हैं, मटकी में ऐसे रखते हैं, देखो ये देखो कितने अच्छे से, देखो बस उसका मुंह को उतार के रखते हैं। ये चल पड़े बच्चे भी हैं साथ में, मम्मी भी हैं, मम्मी की फ्रेंड भी है, और हम जा रहे हैं सांझी बनवाने के लिए जोड़ पर। ये रात का समय था, बिल्कुल 7:30 बजे का टाइम था। ये देखो इसमें सांझी रखी है, 7:30 बजे के टाइम में अंधेरा ज़्यादा हो जावे है, अंधेरा सा हो रहा है, इसीलिए इसमें ब्लैकनेस आ रही है, अंधेरा दिखाई दे रहा आप सभी को, पर आपको दिखा रहे हैं हमने कैसे बनाई है, कैसे उतारा है इसको, कैसे हम लेकर जा रहे हैं इसको डाल के मटकी में, और अब आगे देखते रहिए हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं इसमें, वहाँ पे भी ले जा के क्या कर रहे हैं देखना। यहाँ पे रख दी है, देखो ये रख दी है सांझे, देखो इसका मुंह कपड़ा जो मुंह ढक के रखते हैं कपड़ा से वो उतार के लेकर आए। देखो ये दिया जलाएंगे हम, यहाँ पे दिया जलाते हैं, इसकी पूजा की जाती है यहाँ पे, बहुत सुंदर लगेगी आपको देखना। इस दिए को जला रहे हैं, देखो जला के इसमें रख देंगे मटकी में, देखो मटकी में रख दी, देखो कितना प्यारा लग गया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसका नज़ारा तो देखें, जब जोड़ में न्यारा अलग सा दिखाई दे, कितनी सुंदर लगा, देखो ये सांझी का मटकी, ये हमने जय सांझी माता, जय सांझी माता, ऐसी सांझी हर कोई डालो अपने घर पे, कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा, देखो दूर तक दिखते दिखेगी ये मटकी चस्ती हुई, जैसे कि इसके अंदर कोई लाइट लग रही है। और देखो ये कलाकारी कैसे इसमें मटकी में सुराख रखे हैं छोटे छोटे, देखो कितना सुंदर, देखो दूर तक कितना प्यारा लगा, देखो दूर से भी इसमें ये चारों तरफ ने इसके ना वो कर रखे हैं, गट्टे कर रखे हैं मटकी के अंदर, फिर उसके अंदर दिया धर रख दिया और सांझी भी रख रखी इसके अंदर। और देखो फिर ये सांझी जड़ में भरा दी। और ऐसे की दादी कह रही थी, हमने बच्चे बोले कि ये क्या है, ये क्या तैर रहा है, दादी बोली सांझी, पहले बच्चे नहीं जानते थे, अब देखो ये चीज़ें दिखाओ बच्चों को, पहचानो भाई सब अपने रीति रिवाज ना भूलो। जय सांझी माता, हैप्पी दशहरा, सब खुश रहो, अपने घर में मस्त रहो।